हेलो गाइड्स, आज मैं अनुपम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आसान तरीके से छाली का से घी बनाना सिखा रही हूँ। इसमें दो कटोरी छाली लिए थे, उसमें मैं रात को 4 चम्मच दही डालकर छोड़ दिए थे। अब इससे मैं घी निकाल रही हूँ। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई बैठा लेते हैं, उसमें ये सारा मटेरियल जो है उसे डाल देंगे। सारा मटेरियल डालने के बाद इसे तेज आंच पर गरम होने देंगे और पकने देंगे। ये पक करके उसके बाद अपने आप घी तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। 5 मिनट उबलने के बाद इस तरह से दिखेगा छाली। इसे अभी और 5 से 10 मिनट तक पकाना है। पकने के बाद घी अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग हो जाएगा। इसे अभी हम लगातार तेज आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। 5 मिनट तेज आंच पर घी पकने के बाद इस तरह घी अलग और छाली अलग होने लगा है, उसका मटेरियल अलग होने लगा है। इसे अभी और 10 मिनट तक तेज आंच पर इसी तरह से पकाएंगे ताकि इसका घी पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। 5 मिनट घी पकाने के बाद हमारा घी इस तरह से दिखने लगेगा। ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका भीतर का ये। इसे हमें अभी और थोड़ी देर पकाना है। 5 मिनट और पकाने के बाद ये घी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा घी कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है और काफ़ी मात्रा में घी निकल रहा है। हमारा घी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा डीप गोल्डन ब्राउन हो गया है और घी बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसलिए हम इसे गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने पर इसको छान लेंगे। छानने पर घी हमारा अलग हो जाएगा और उसका मटेरियल अलग हो जाएगा। हम घी को एक छन्नी की सहायता से एक कटोरे में छान लेते हैं। ये देखिए ये हमारा घी और उसका मटेरियल बिल्कुल अलग अलग बनकर तैयार है। देखिए एक दो कटोरे छाली से हमने कितने ढेर सारे घी बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकती हैं कि हमारा कितना ढेर सारा घी बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। देखिए एक कटोरा पूरा घी हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम घी को एक छन्नी की सहायता से एक कटोरे में छान लेते हैं। ये देखिए ये हमारा घी और उसका मटेरियल बिल्कुल अलग अलग बनकर तैयार है। देखिए एक दो कटोरे छाली से हमने कितने ढेर सारे घी बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकती हैं कि हमारा कितना ढेर सारा घी बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। देखिए एक कटोरा पूरा घी हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।